ना कहीं चर्चा लगातार जारी है। रायपुर से इस वक्त की अगली बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक, आज आपको बता दें कि बैठक में अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा, कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। अनियमित कर्मचारियों की मांगों पर भी चर्चा संभव है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां बताते चले कि भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक आज होगी और इस बैठक में अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, कई प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है। इसके अलावा अनियमित कर्मचारी लगातार उनकी तरफ से मांग की जाती है कि हमें नियमित प्रदान की जाए, तो उनकी मांगों पर भी चर्चा संभव है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी अंकुश की ओर। अंकुश, भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक आज कितनी ज्यादा अहम है, क्या कुछ इस बैठक के दौरान होगा? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दौरान कई ऐसे विषय हैं जिसको जो सरकार को लगते हैं कि ये रह गए हैं और वो भी इसी सत्र में लाए जा सकते हैं। उन प्रस्तावों पर चर्चा के लिए आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। चूंकि कैबिनेट की बैठक जो है वो विधानसभा के ही मुख्यमंत्री जो का जो केबिन है, मुख्यमंत्री का जो बैठने का स्थान है, वहीं पर कैबिनेट के तमाम सदस्य इकट्ठे होंगे और कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। महत्वपूर्ण प्रस्ताव के बारे में अगर बात करें तो जिस तरीके से प्रदेश भर के अनियमित कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं और सरकार से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर माना ही जा रहा है कि इस कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा सकता है। और अगर प्रस्ताव लाया जाएगा तो ये प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के लिहाज से काफ़ी राहत भरी खबर हो सकती है। इसके अलावा विनियोग विधेयक के पहले भी कई प्रस्ताव जो हैं वो लाए जा सकते हैं। और कल ही जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन के अंदर घोषणा की है कि इसी सत्र में छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून भी लाया जाएगा, तो पत्रकार सुरक्षा का कानून का जो प्रस्ताव है वो भी कैबिनेट में रखा जा सकता है। और इसके अलावा और भी ऐसे कई विषय हैं। चूँकि आने वाले समय में चुनाव है और चुनावी लिहाज से सरकार पूरी तैयारी में है कि हर एक वर्ग को खुश किया जाए। हर एक वर्ग जब खुश होगा तो इसका सीधा लाभ चुनाव में पार्टी को मिल सकता है। और यही कारण है कि कैबिनेट के माध्यम से छोटे छोटे बिंदुओं को भी इकट्ठा किया जाएगा और उसको प्रस्ताव को पारित करके इसको विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं चुनाव के लिहाज से ये बैठक काफी ज्यादा अहम है। आने वाले समय में क्या कुछ होगा, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बढ़ेगी आगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शदाड़ी दरबार में संत राजा राम साहेब जी के 63वें महोत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर चेटीचंड महोत्सव पर राज्य के नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में अवकाश की घोषणा की है और मुख्यमंत्री ने शदाड़ी दरबार में संत राजा राम साहिब के 63वें महोत्सव में शामिल होने, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए करीब 350 श्रद्धालुओं का छत्तीसगढ़ की धरती पर स्वागत किया है। सदाड़ी दरबार में संत राजा राम साहिब जी के 63वें महोत्सव का आयोजन 14 से 17 मार्च के बीच किया जा रहा है। सदाड़ी दरबार की ओर से पवित्र सरोपा भेंट कर मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया और सीएम बघेल ने इस अवसर पर सदाड़ी दरबार पर आधारित फिल्म धुनेश्वर महादेव की सीडी का विमोचन भी किया। अब हमारे